हम आकाशवाणी के पोर्टल केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी है, अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी गतिरोध बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कल देर रात भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके निवास पर मुलाकात की और सीटों के बंटवारे पर एक और प्रस्ताव पेश किया। बाद में श्री फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना का नया प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, इसलिए भाजपा ने शिवसेना अध्यक्ष को एक और प्रस्ताव दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि शिवसेना ने अपने प्रस्ताव में भाजपा को केवल 117 सीटें देने की पेशकश की थी, जो पिछले विधानसभा चुनाव की संख्या से भी 2 कम है। श्री फडणवीस ने कहा कि श्री ठाकरे को ये बता दिया गया है कि भाजपा इस बार पिछली बार से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। इससे पहले भाजपा के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने मुंबई में बताया कि वे आज नई दिल्ली में होने वाली भाजपा की संसदीय दल की बैठक में पार्टी उम्मीदवारों की सूची पेश करेंगे। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कल कांग्रेस को सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए 1 दिन की समय सीमा दी। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने अपनी पार्टी को विधानसभा की 288 में से 124 सीटें देने के कांग्रेस के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। सरकार ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता उद्योग और श्रम बल के बीच संतुलन बनाना है, जिससे अधिकतम रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। केंद्रीय श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य श्रम क्षेत्र में व्यापक और संतुलित विकास लाना है। इसको समिट गवर्नेंस पुरस्कार आयोजन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि तोमर ने कहा कि उनका मंत्रालय ऐसे कानूनों में बदलाव के लिए काम कर रहा है जो समय बीतने के साथ बेकार हो गए हैं। श्री तोमर ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ ही उद्योगों को आसान और लचीलेपन के साथ काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत और बांग्लादेश ने समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया है। इससे सीमा पार से आपराधिक गतिविधियों, अवैध आवाजाही, हिंसा और लोगों के मारे जाने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय और नोडल अधिकारियों का आदान प्रदान किया जाएगा। नई दिल्ली में कल परामर्श आयोग की तीसरी बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देश सीमा पर बाकी बचे संवेदनशील इलाकों पर बाड़ लगाने के काम को शीघ्र पूरा करने की जरूरत पर भी सहमत हुए हैं। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल हसन महमूद अली ने संयुक्त रूप से की। इस बीच बांग्लादेश ने कहा है कि वो भारत का सबसे अच्छा मित्र बनना चाहता है। उसने ऑटोमोबाइल, विद्युत और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए भारतीय कंपनियों का आह्वान किया है। श्री महमूद अली ने कहा कि उनकी सरकार देश भर में भारतीय कंपनियों को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए जमीन मुहैया कराएगी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार ने जमीनी ट्रांसमीटरों के जरिए डिजिटल प्रसारण बढ़ाने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में बिग पिक्चर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप में जमीनी ट्रांसमीटरों के जरिए प्रसारण बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ये बहुत किफायती हैं और उनकी बैंडविड्थ अच्छी होने के कारण प्रसारण की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इस अवसर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष राहुल खुल्लर ने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया नीति को एक ऐसे स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देना चाहिए जो विचारों की विभिन्नता और विविधता को बनाए रखे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पल्स पोलियो टीकाकरण का एक और दौर आज सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस अभियान में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। दक्षिण कोरिया के इंछोन में 17वीं एशियाई खेलों की स्पर्धाओं के आगे सीरीज में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में भारत के जीतू राय निशाने लगा रहे हैं। उनके अलावा समरेश चंद और प्रकाश नानजप्पा भी अपनी चुनौती रख रहे हैं। पुरुषों की ट्रैप क्वालिफिकेशन में मनशीर सिंह, मानवजीत सिंह संधू और डी के चेन्नई की चुनौती भी शूटिंग लेन में है। तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल हिट्स में सौरभ संघ भी कल मुकाबले में है। इसके अलावा महिलाओं की स्क्वैश स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा आमने सामने होंगी। मोहाली में चैंपियंस लीग 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में कल देर शाम किंग्स इलेवन पंजाब ने बारबाडोस
ट्राइडेंट्स को 4 विकेट से हरा दिया। किंग्स इलेवन ने 19 ओवर 4 गेंद में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाकर जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news, read by Captain Chinna. The seat sharing row between BJP and Shiv Sena for the October 15 Maharashtra Assembly elections continues as BJP rejected the new proposal given by Shiv Sena. In a late night development, BJP State Unit Chief Devendra Fadnavis met Shiv Sena President Uddhav Thackeray at Lata's residence, Mother Shri, and submitted a fresh seat sharing proposal. Speaking to reporters after the meeting, Devendra Fadnavis said Shiv Sena's new proposal regarding seat sharing is not acceptable to BJP, and the new proposal has been put before Uddhav Thackeray. Elaborating more, Fadnavis said Shiv Sena had offered only 117 seats to BJP in its last proposal.